हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सारणिक और आव्यूह का उपयोग कहाँ पर किया जाता है इसके बारे में देखेंगे। तो छात्र देखें। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि तीन चर वाले समीकरण दिए हुए हैं। तीन चर वाले कौन कौन से? तीन समीकरण दिए हुए हैं, समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2 और समीकरण नंबर 3। ये तीन समीकरण दिए हैं, इनको हल करके हमको एक्स और वाई जेड का मान ज्ञात करना है। तो इनके जो गुणांक हैं कॉन्स्टेंट्स, इनको आप देखेंगे ए वन बी वन सी वन, ए टू बी टू सी। इसका हमने मैट्रिक्स बना लिया। इस मैट्रिक्स का नाम लिया हमने ए, और जो चर है एक्स वाई जेड इसका हमने यह मैट्रिक्स बना लिया। और जो राइट में जो कॉन्स्टेंट वैल्यू दी है उनका ये मैट्रिक्स बना लिया। तो इस समीकरण को हम मैट्रिक्स के रूप में इस प्रकार से लिख सकते हैं। यह मैट्रिक्स है आपका ए मैट्रिक्स, एक्स मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स, यानी इसका मतलब ये हो जाएगा ए एक्स बराबर बी। ठीक है, और ए के यहाँ डिफाइन किया है आपका इस तरह से। तो यदि आपको तीन चार वाले समीकरण दिए हुए हैं तो उसको मैट्रिक्स के रूप में आप कैसे लिख सकते हैं? ए एक्स बराबर बी, जहाँ की ए क्या है इसके बराबर है, यह लिखा हुआ है। एक्स कौन सा मैट्रिक्स है? यह लिखा हुआ है। और यह कौन सा लिखा हुआ है? बी मैट्रिक्स। बी में कौन से अचर राशि जो राइट हैंड साइड में, उसको लिखे। ठीक है, अब हम देखते हैं कि यदि मैट्रिक्स ए व्युत्क्रमणीय आव्यूह है। व्युत्क्रमणीय का मतलब क्या होता है? तो इसका सारणिक जो होगा ए का, वो है नॉन जीरो होगा। ठीक है, यदि सारणिक नॉन जीरो है तभी इसका व्युत्क्रम है, तभी इसके ए का व्युत्क्रम का अस्तित्व होगा। और यदि इसका सारणिक जीरो है या अव्युत्क्रमणीय है तो ए का व्युत्क्रम नहीं निकलेगा या उसका अस्तित्व नहीं होगा। तो ध्यान रखिए कि यदि मैट्रिक्स का हमको किसी आव्यूह का व्युत्क्रम निकालना है तो पहले हमको ये चेक करना पड़ेगा कि ए जो है वो व्युत्क्रमणीय आव्यूह है कि नहीं। यदि व्युत्क्रमणीय आव्यूह है तो मैट्रिक्स का व्युत्क्रम निकलेगा इनवर्स, और यदि व्युत्क्रमणीय आव्यूह नहीं है तो उसका मैट्रिक्स का इनवर्स नहीं निकल सकता। ठीक है, इस शर्त को ध्यान रखिए। तो यहाँ देख लेंगे कि जब भी आव्यूह आता है तो आप उसकी सारणिक बना के चेक करिए कि सारणिक का मान कहीं जीरो तो नहीं आ रहा। यदि नॉन जीरो आ रहा है तो आप उसका इनवर्स निकाल लीजिए, और यदि जीरो आ रहा हो तो आपको इनवर्स निकालने आगे नहीं निकालना है। आप ये लिख सकते हैं कि इसका अस्तित्व व्युत्क्रम का मतलब मान नहीं निकल सकता है। ठीक है, आपको हल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी हमने यहीं पर बताया कि यदि ए है तो इसका मान जीरो होगा, और साथ में क्या होगा कि ए का व्युत्क्रम अस्तित्व नहीं है। इस केस में ए का व्युत्क्रम का अस्तित्व नहीं होगा। क्लियर? अब हमको क्वेश्चन दिया है, प्रश्नावली 4 में, इसमें समीकरण दिया दो चर वाले समीकरण। इसका हमको पहले ये देखना है कि इसका संगत मान होगा कि नहीं, और यदि है तो
वो हमको बताना है कि किसका संगत मान निकलेगा किसका संगत नहीं। तो हम ये देखते हैं कि यदि व्युत्क्रमणीय आवयु है तो उसका मान संगत होगा, और व्युत्क्रमणीय आवयु नहीं है उसका मान व्युत्क्रम का अस्तित्व नहीं होगा। तो चेक करिए, तो इस मैट्रिक्स में पहले क्वेश्चंस में आंसर वन, तो इसमें हम देखते हैं कि ए का मान क्या है, इसके गुणांक देखिए, 1, 2, 2, 3, और इसका सारणिक बनाइए आप, सारणिक कितना हो जाएगा, 1, 2, 2, 3, सारणिक का मान हल करेंगे कितना हो जाएगा, 3, 1 × 3 − 4 = −1, ये नॉन जीरो है, नॉन जीरो। तो इसका हल कैसा होगा, संगत है। क्लियर? हम दूसरे के लिए देखते हैं, दूसरे के लिए हम सीधे डायरेक्ट लिखते हैं कि ए का सारणिक निकालते हैं, कितना हो गया, 2, 1 − 1, 1, इसका हल कितना हो जाएगा, 2 × 2, 2 × 1 + 1 = 3, नॉन जीरो, इसलिए इसका मान कैसा होगा, संगत। तीसरे केस में देखते हैं, तीसरा केस, इसमें ए का सारणिक निकालते हैं, ए का सारणिक कैसे निकालेंगे, 1, 2, 3, 6, इसको हल करेंगे, 6 − 3 × 2 = 6 = 0, कि सारणिक ए बराबर 0, आता है इसका हल असंगत होगा, असंगत है। क्लियर? तो इसमें पहले और दूसरे में संगत केस है, तीसरे में असंगत केस है। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, हमको आवयु विधि से इसको हल करना है। क्लियर? तो हम क्वेश्चन नंबर 7 है, तो इसका सॉल्यूशन 7। तो सबसे पहले हम इसको मैट्रिक्स रूप में बना देंगे, कैसा हो जाएगा, 5, 7, 2, 3, और इसके जो चर हैं x, y = 4, 5, यह आपका मैट्रिक्स हो गया ए, इस मैट्रिक्स का नाम दे दिए x, और यह मैट्रिक्स का नाम b है, जहां की a बराबर 5, 2, 7, 3, b x इक्वल टू क्या है, x y, और b इक्वल टू कितना है, 4 और 5। ठीक है, अब हमको क्या करेंगे कि ax = b लिखा है, तो इसमें दोनों तरफ ए इनवर्स का मल्टीप्लाई कर दो, तो a × a इनवर्स कितना हो जाएगा, आइडेंटिटी (x = a−1b). आइडेंटिटी का किसी भी मल्टीप्लाई में करते हैं, एक्स बराबर आ जाएगा आपका a−1b। ठीक है, तो a−1b निकालने के लिए सबसे पहले हमको इसका a−1 फाइंड करना पड़ेगा, तो a−1 कैसे निकालते हो, a−1, तो a−1 के लिए आपको एडजॉइंट आप ए अपॉन ए का सारणिक, एडजॉइंट आप निकालने के लिए सबसे पहले आप एडजॉइंट आप निकालेंगे, एडजॉइंट आप ही, एडजॉइंट आप कैसे निकालेंगे कि a11 कौन सा है, ए है। ठीक है, इसके पंक्ति और स्तंभ को छोड़ देंगे तो 3 आएगा, और ये प्लस में रहेगा क्योंकि 1 + 1 सफिक्स का योग इवन नंबर होता है, इसलिए 1।
या प्लस थ्री आ जाएगा। फिर इसके बाद ए वन टू में कौन सा एलिमेंट है, टू, तो टू की पंक्ति और स्तंभ को छोड़ा सेवन आया, और चूंकि वन प्लस थ्री ऑड नंबर होता है तो माइनस वन की पावर थ्री माइनस हो जाएगा, यहां पर कितना माना जाएगा, माइनस सेवन। फिर टू वन में कौन सा एलिमेंट है, सेवन, तो इसकी पंक्ति और स्तंभ को छोड़ेंगे टू, और यहां माइनस टू आ जाएगा। और ए टू टू पर थ्री है तो थ्री की पंक्ति और स्तंभ छोड़ेंगे तो फाइव, और यहां प्लस फाइव आ जाएगा। और इसका ट्रांसपोज करेंगे तो एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू थ्री माइनस सेवन माइनस टू फाइव, ये आ गया, क्लियर। साथ में हमको डिटरमिनेंट ज्ञात करना पड़ेगा, तो डिटरमिनेंट यहां पर कितना हो जाएगा, तो आप देखेंगे डिटरमिनेंट यहां पर कितना हो जाएगा आपका, फाइव इंटू थ्री फिफ्टीन, सेवन इंटू टू फोर्टीन इक्वल टू वन। तो ए इनवर्स कितना हो जाएगा आपका, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ, तो जो वन है यहां आ जाएगा आपका इनवर्स थ्री माइनस टू माइनस सेवन फाइव। तो आपका एक्स इक्वल टू कितना था, ए इनवर्स बी, तो थ्री माइनस टू माइनस सेवन फाइव, और बी इक्वल टू कितना है आपका, फोर एंड फाइव। तो इसको सॉल्व करिए, इस पंक्ति का इस स्तंभ में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा मान, फोर थ्री इंटू फोर ट्वेल्व माइनस टेन माइनस सेवन इंटू फोर माइनस ट्वेंटी एट और प्लस ट्वेंटी फाइव इक्वल टू कितना हो गया आपका, ट्वेल्व माइनस ये टू हो गया और ये माइनस थ्री हो गया, और एक्स का मान कितना था यहां पर, एक्स और वाई। तो आप इनको कंपेयर करेंगे तो स्मॉल एक्स किसके बराबर हो जाएगा, टू के, और वाई का मान कितना आ जाएगा, माइनस थ्री, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो जिस तरह से पहला क्वेश्चन किया है उसी प्रकार से सेवेंथ किया है उसी प्रकार से एट्थ और नाइन्थ भी आप इजीली कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए और इसी तरह से बाकी क्वेश्चन भी करने की कोशिश करिए। अब ये तीन चर वाले समीकरण है, इसमें भी हमको मैट्रिक्स का यूज करके इनवर्स ज्ञात करना है, तो इसको आप जैसे हमने सेवेंथ कराया है वैसे ही करना है। तो यहां पर आपको ए कैसा मैट्रिक्स मिलेगा, आपको ए मैट्रिक्स, यहां पर तीन तीन रो तीन पंक्ति रहेंगी, तीन स्तंभ रहेंगे, तो यहां टू वन थ्री, थ्री माइनस टू माइनस वन, थ्री वन माइनस टू, ये ए का मान रहेगा, क्लियर। एक्स का मान क्या रहेगा, एक्स वाई जेड, और बी का मान कितना होगा, फाइव माइनस फोर थ्री, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसके लिए वही करेंगे, ए एक्स बराबर बी, इसको सॉल्व किया एक्स बराबर आ जाएगा आपका ए इनवर्स बी। तो इसके लिए आपको दो स्टेप निकालना पड़ेंगे, सबसे पहले आपको ए इनवर्स फाइंड करना पड़ेगा, क्या ज्ञात करना पड़ेगा, ए इनवर्स। तो ए इनवर्स के कैसे निकालते थे आप, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डॉट ऑफ ए, जब इसको निकाल लेंगे तो इसमें आप क्या करेंगे, फिर हम इसके बाद नेक्स्ट स्टेप ए इनवर्स बी फाइंड करेंगे, ठीक है। और ए इनवर्स बी को हम किसके इक्वल कर देंगे, एक्स के, और एक्स के अवयव का इसके अवयव से हम तुलना करेंगे, और हम इससे इजीली हम क्या कर लेंगे, एक्स का मान
और वाई का मान याद कर सकते हैं। तो ये प्रोसेस हमने अभी पिछले क्वेश्चन बताई, वैसे ही क्वेश्चन इसके भी कर सकते हो। तो इसको नोट कर लो, इसको पूरा करिए जैसे हमने पहले क्वेश्चन किया। ओके, थैंक यू।